कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंद जैन। आचार्य भगवान की दिव्य देशना और आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभा स्थली की छात्राएं आ जाएं मंगलाचरण के लिए, आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला कोलकाता। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, सब परिवार आपसे निवेदन है आप आए आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में मैं आवाज दे रहा हूं पवन जी सेठी कोलकाता डीमापुर, तालियां बजाकर अनुमोदना, आप भी आए आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का। पवन जी सेठी, श्री विनोद बड़जात्या जी से निवेदन है सहयोग करें। और हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी श्री रज्जन भैया जगदलपुर वालों से भी हमारा निवेदन है इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। मंगलाचरण के लिए प्रतिभा स्थल की दीदियां, हाँ नाम लिखो, नाम लिख के बताओ, इधर इधर पीछे से पीछे। बोलिए संत श्रोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूरी गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे, सूरी गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। शिष्य विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे, सूरी गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। सूरी गुरु के वचन ऐसे संग गुरुकुल बनाना है, ज्ञान गुरु के वचन ऐसे संग गुरुकुल बनाना है। मार्ग दूषित नहीं होवे सजगता से निभाना है, उन्हीं का ही प्रतिफल वे वहीं से देखते होंगे। सूरी गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। शेष विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विनोद जी काला सा परिवार आपसे निवेदन है आप आए आचार्य भगवान के ससंग कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। आपने आचार्य भगवान के पावन चातुर्मास हेतु चंद्र प्रभु चातुर्मास कलश हेतु 51 कलश की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार। हे वंदना हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार। पवन जी सेठी परिवार कोलकाता डीमापुर से पधारा है, आप भी आए आचार्य भगवान के ससंग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी सेठी परिवार आप आए शीघ्रता से।
पवन जी, विनय कुमार जी सेठी, डीमापुर कोलकाता, मेरी आवाज यदि सुन रहे तो शीघ्रता से आ जाएं। और आपने भी 21 कलश के माध्यम से आचार श्री शांति सागर कलश का सौभाग्य लिया है। तालियां बजाकर अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार, अनुवंदना है वंदना तेरे चरणों में बारंबार। श्री ब्रजेश जी जैन केसरगंज अजमेर से पधारे हैं, अजमेर निवासी ब्रजेश जी, इन्होंने चंद्रगिरी के लिए 51 कलश की स्वीकृति दी है। इन्होंने एक प्रतिमा त्रिकाल चौबीसी के लिए 11 लाख रुपए, ब्रजेश जी जैन, और एक सहस्कूट की एक प्रतिमा छत्र चंवर भामंडल के लिए 3,51,000 रुपए, और बेदी पर शीशम के कार के लिए 15 लाख रुपए, और त्रिकाल चौबीसी की एक बेदी के लिए 21 लाख रुपए, और शेष 4,900 रुपए मंदिर के निर्माण के लिए। ऐसा पूरा करके 51 कलश की स्वीकृति आचार्य भगवान के चरणों में इन्होंने समर्पित की है। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और यदि उस उपस्थित हो तो आप आए शास्त्र प्रदान करें। अशोक जी पाटनी, संतोष राहुल पूर्वा, वंदना दक्ष जयपुर वैशाली नगर से हैं। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग करकलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमल जी, विशाल जी, वरुण जी पाटनी, भागलपुर, चंपापुर, आज आपका जन्मदिन है। आपने सहसकूट में एक प्रतिमा का सौभाग्य लिया है जिसके लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नेमीचंद जी, प्रदीप कुमार जी, गौर झामर समाज के प्रतिनिधि अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ परिजन, दो दो व्यक्ति ऊपर जाएंगे ज्यादा लोग ने, पूज्य शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन इस सभा में उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अरविंद जी, आलोक जी, मीना जी दिल्ली, आप पूज्य समाधिस्थ शांति सागर जी महाराज गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं। आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, आप भी आए। भंवरी जी, भंवरी बाई, महावीर कुमार, सूरजमल, दिनेश कुमार, बोराव, चित्तौड़गढ़, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आयुषी जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। परंपरा है जिनका जन्मदिन प्रतिभा स्थली की छात्रा का होता है उसे श्रीफल भेंट कर सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आयुषी जैन कक्षा 10वीं, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अन्या जैन कक्षा 12वीं की वाणिज्य प्रतिभा स्थल की छात्रा है, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मजेदार मिनाव मेरी ये पार लगाती है, मेरे दुख के आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जे नागम का वह सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनकी दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र
अत्र अवतर अवतर संभोसठ आवान जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सर सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कर से भव काल से धोने आया आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति दुखियों के दुखों को ये जान जाते हैं मेरे दुख के आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति खुशियों का जीवन में पैगाम लाते हैं मेरे दुख के आफत के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में काम भाव विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति इस छुता रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति वक्ष अवक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर बोधि जगाऊंगा ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विनाशनाय को नहीं मैंने पहचाना मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति थारी मारी प्रीत पुरानी तू जाने या मैं जानूं थारी मारी प्रीत पुरानी तू जाने या मैं जानूं बेगा बेगाव जी और अमृत रस बरसाव जी बेगा बेगाव जी और अमृत रस बरसाव जी आंगणिया में हाय 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 आंगणिया में आव जी आ
के दर्श दिखाब जी। श्रीमती माँ का लाला मन भूल बिसर मत जाब जी। श्रीमती माँ का लाला मन भूल बिसर मत जाब जी। आंगणिया में आब जी और आके दर्श दिखाब जी। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। चरणों में आने खड़े हैं गुरु देना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। पूरी पूरी हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। हर चन के सुमन समर्पित हैं हर साई जगती के कण कण। कर्नाटक के सतलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या की सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पद पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद से कुंदन से कुंदन साजग को कर देने। बस निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। सब नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अंजाम।
जाना स्वर ताल चंद में क्या जानो केवल भक्ति में रम जाना भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ तपो मूर्ति आराधक योगीश्वर महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी प्रेम श्री 108 आचार्य विद्यासागर महेंद्राय जय माला पूर्ण अर्घम निरपामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ते हैं और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महामुनिराज की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाजो, जय नरमोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, चौबीसो भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, शास्त्र में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, चित्त में वही संसार हो। इस सूत्र को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। किसी ने पूछा संसार क्या है, तो कहते हैं चित्त में वही संसार हो। चित्त ही संसार है, मन ही संसार है। ऐसा क्यों कहा? आपके पास सोना है, चांदी है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन संपत्ति है, गाड़ी फैक्ट्री कुछ है ना, कपड़े लत्ते वगैरह सब कुछ है, इसको संसार नहीं कहा आचार्यों ने? चित्त में संसार हो ऐसा क्यों कहा? चित्त को संसार क्यों कहा, मन को संसार क्यों कहा? अब सोच सकते आप लोग, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, भैंस है, हिरण है, सर्प है, चूहा है, पशु पक्षी और भी है, उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, उनके पास सोना चांदी है, गाड़ी घोड़ा है, धन संपत्ति है, आपका मोबाइल, टेलीविजन, फैक्ट्री कुछ है, कपड़े लत्ते वगैरह नहीं है, तो जहाँ रहते हो जंगल में रहते हैं, पेट भरते हैं, पानी पीते हैं, आराम से रहते हैं, फिर क्या वो साधु हो गए? उसको साधु कहे? परिगत तो है ही नहीं उनके पास, तो साधु कहे उसको? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मन में लोभ बसा हुआ है, मन में लोभ बसा हुआ है। ये चित्त में संसार हो आचरण, इसलिए कह रहे हैं मन में लोभ बसा हुआ है। जिनके मन में लोभ है, कांक्षा है, आशा है, अपेक्षा है, तो संसार में भटकेगा, वही संसार है। ये बाहरी वस्तु निमित्त है, लेकिन अंदर जो भी है वो संसार के कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने एक समातंत्र में श्लोक कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, धारण करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। अविक्षम मनस्तत्व विक्षितम भ्रांतिरात्मन धारण अविक्षिप्तम विक्षण आश्रय तथा। अविक्षिप्त मन ही जो भी है तत्व है, अविक्षित मन ही धर्म है, अविक्षित मन ही सुख है, अविक्षित मन ही शांति है, सब कुछ धर्म का भंडार अविक्षित मन है। और विक्षिप्त मन क्या है? भ्रांति है, संसार है, दुख है, अतत्व है, अधर्म है। इसलिए आचार्य ने कहा अविक्षित मन का धारण करो, उसको स्वीकार करो, और ये जो विक्षिप्त मन है उसके आश्रय कभी लेना नहीं चाहिए, क्यों? विक्षिप्त मन के होने के कारण व्यक्ति संसारी बना रहता है। संसार में संसार है, भटकने का नाम संसार है, घूमने का नाम संसार है, भ्रमण करने का नाम संसार है, जिसमें विकार है वो संसार है, विभाव है वो संसार है,
जहां भी दुख पीड़ा है वो संसार है। तारक्षित मन जो भी आप निर्मल मन पवित्र मन वो जो आपका तत्व है वो धर्म है। अब हम धर्म करते हैं, मन में तो शांति है नहीं, अर्बुद के चंदन तंदुल पुष्प के ऐसे शांति से बैठो कहते हो, उठना नहीं बीच में, बोलना नहीं, उधर के चंदन तंदुल पुष्प के तुम्हारा घंटे तक वही चलता रहता है, उधर के चंदन उधर के चंदन, क्योंकि ये मन में शांति नहीं है, पवित्र मन नहीं है। तो पवित्र मन ही धर्म का आधार है, उसका आधार ले लो। क्योंकि भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी क्या कहा, वैरागी कहलाते थे, कैसे छठखंड का अधिपति है लेकिन वैरों के प्रति उनका आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वैरागी है घर में रहता है तो घर में उनका तपोवन है, यदि घर में रहते हुए सब वैभव है आसक्ति नहीं है तो घर में रहते हुए वैरागी है, क्योंकि आसक्ति नहीं है। अयो कथे में पी उतवा तत्व को सन कलशन में अमृताचार्य ने कहा, आसक्ति क्या चीज है, आसक्ति करने से व्यक्ति संसार में दुखी होता है, आसक्ति दुख के लिए कारण है, वही दुख है। अरे व्यक्ति मुख्य रूप से यदि मन विक्षिप्त है क्षुभित है वो व्यक्ति क्या सोचता है क्या करता है उस कल्पना नहीं कर सकते आप, अपना भी कल्याण नहीं कर सकता दूसरे के भी कल्याण के लिए कारण बनता नहीं। जैसे देखो एक व्यक्ति था, कई लोग रहते हैं आप तो अच्छे लोग आप लोग, लेकिन एक व्यक्ति था उनके जो भी अपने छोटे भाई से वैर चल रहा था, किसकी से वैर करता है, भाई से बहन से माँ से पिता से पत्नी से मित्र से, ये संसार प्राणी सबसे वैर करता है। जब तक आपका अनुकूल है तब तक अच्छे है, अनुकूल नहीं है तो उस समय वही मित्र शत्रु बन जाते हैं। सत्य हो मित्रो मित्र असत्य कम वसो ये सो संसार सब भाव, मित्र भी शत्रु बन जाता है शत्रु भी मित्र बनता, कर्म के उदय में ये संसार का स्वभाव है। इसलिए मन पवित्र करो, वो व्यक्ति का जो भी अपने छोटे भाई से वैर चल रहा था लेकिन छोटे भाई जानता था इनका दिमाग जो भी तेज है, अब क्या करना, उनसे बचकर रहना है, उनके लिए मौका देते नहीं थे, उनके सामने जाते नहीं थे, बचकर रहते ऐसे समय निकल गया, वो मौका दिया नहीं, लेकिन इनके मन में है इनकी बर्बादी करना है, इनको जेल भेजना है, इनको कुछ करना है। बड़े भाई के मन में वो मिले नहीं, इन मरणासन अवस्था आ गए, मरणासन अवस्था हो गया फिर भी मन में चल रहा है क्या करना हो। अब बेटे के लिए बोला, बेटा आ जाओ एक मेरा काम करो, पिताजी क्या काम है, एक बात सुनो मेरा, क्या बात है, एक काम करना, कौन सा काम करना है, अब जो वचन दे दो, कैसा वचन, पुत्र को बता रहे खुद तो जाए जा रहे पुत्र के लिए बता रहे, कुछ भी करो आप मर मिट जा, सब संपत्ति बेचनी पड़े तो नहीं चलेगा, लेकिन अपने चाचा को जेल भेज करके दम लेना। आप बताओ विक्षिप्त मन क्षुभित मन कलुषित मन क्या करता है, अपने भाई को भी भेज रहा है, अपने पुत्र को भी उसमें डाल रहा है, खुद तो जा ही जा रहा है, ये विक्षिप्त मन का काम है। यहां आचार कहते हैं आपके लिए क्या संदेश देते हैं, आप मर मिट जा लेकिन मंदिर में जाकर के जाप कर जा, मर मिटो लेकिन ये सोचो मंदिर में जाकर मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मर मिट जाऊंगा मैं पूजन करूंगा, मर मिट जाऊंगा ध्यान करूंगा, मर मिट जाऊंगा जाप करूंगा, मर मिट जाऊंगा स्वाध्याय करूंगा, मर मिट जाऊंगा दान दे दूंगा, मैं लूंगा नहीं, ये सोचो। अब अपने भाई को चाचा को जेल भर के क्या प्राप्त करोगे, आप थोड़ा सा सोचो, इस शरीर को थोड़ा सा पड़ोसी समझो, ये शरीर क्या है, पड़ोसी है, अड़ोस पड़ोस बोलते ना आप लोग, पड़ोसी है समझो, उसका जो भी कुछ उपयोग करो लाभ ले लो, उसके माध्यम से भगवान की जो भी पूजा वगैरह करो, ध्यान करो मंत्र करो जाप करो स्तुति करो गुणगान करो, इसके माध्यम से शांति मिलेगी।
लेकिन किसी के बारे में कुछ सोच लिया आपने उनके बारे में, इनको ऐसा कर दूंगा, जेल भेज दूंगा, मार दूंगा, ऐसे विचार मन में मत लाओ, शब्द मत बोलो। आपका शब्द का भंडार है, वचने का दरिद्रता, शब्द का भंडार है। हित वचन बोलो, मित वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, आपका वचन उनके लिए कल्याण का कारण बन जाए। 10 प्रकार की भाषा कहा है, आचरण कहा, ऐसे शब्द मत बोलो, कक्कसा, कड़वा, परुसा, निठुरा, अहिमानी, अनंकरा, छेंकरा, भयन वंकरा, ये सभी 10 प्रकार के भाषा है। इस पर शब्द मत बोलो, कटु शब्द बोलने से कर्मबंध होता है। एक शब्द के माध्यम से हजार लोग जुड़ जाते हैं और एक शब्द के माध्यम से हजार लोग बिखर जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। ज्ञानोकर ने ज्ञानोर ने एक गाथा दिया, समझा, मन चेजी मनश्चल्यम सुशैरम विराधकम निर्दम चाक्तेजम प्राणकंठ रेपी। क्या कहा, ऐसे शब्द मत बोलो मर्म का छेदन हो जाए, ऐसे शब्द मत बोलो मन में शल्य से चुभता रहे, ऐसे शब्द मत बोलो उनका स्थिरता छूट जाए, धैर्य छूट जाए, मन चला मन हो जाए, चल विचित हो जाए, ऐसे शब्द मत बोलो, ऐसा शब्द मत बोलो उनका विराजन हो जाए, वो मर जाए। निर्दयता पूर्वक हट जा, से बोलते ना आप लोग, हट जा सर, पीछे जा, निकल जा सर, दफा हो जा, बोलते आप लोग, निर्दयता पूर्वक बोलने का त्याग करो। आचरण कब तक करना, कब तक करना, जब तक इस प्रकार होता तब तक, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी अभाव चली जाएगी। सुन रहे कि नहीं आप लोग, प्राण कंठ के तरह पिए, प्राण में कंठ आ जाए तो भी आप इस प्रकार शब्द मत बोलो। बोलना है अनिविशी भाषण बोलो, शास्त्र अनुसार बोलो, प्रिवचन बोलो, क्योंकि आप शब्द जो भी वचन उनके हितकारी बन जाए, औषध बन जाए, वचन आपका दवा बन जाए, ऐसे शब्द बोलो। आप कोई निंदा करता है, आपके लिए बोलता है कि आपको अच्छा लगता है, तो आप भी दूसरी निंदा मत करो, दूसरे नाम रख मत रोको, दूसरी पर शब्द मत बोलो। आप दूसरे से विनय चाहते हैं, उसी प्रकार आप भी दूसरे के विनय करो, इसके माध्यम से काम बनेगा आपका, आप कल्याण हो सकता है। इसलिए अविक्षित मन जो भी वह तत्व है, धर्म है, आपका सुक्त मन जो भी वह इस प्रकार बोल सकता है जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और मन जो भी क्षुभित है वही बोल सकता है, दूसरे पर नाम रख सकता है। लेकिन जिनके मन जो भी अविक्षिप्त है, उनका तत्व है, वो धर्म है, धर्मात्मा कभी इस प्रकार बोल नहीं सकता। सम्यक दृष्टि घर में रहता है, घर में रहते हुए भी अपनी निंदा करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है। आपका सम्यक दृष्टि का 8 अंग है, उसमें उपगुण अंग है, स्थितिकरण अंग है। उपगुण अंग में क्या कहा, दूसरे को जो भी गुणों को ढाक दो और उनके गुणों को उजागर कर दो, अपने गुणों को ढाक दो, अपने अवगुण को बता देना। लेकिन वर्तमान में लोग अपने अवगुण को बताते नहीं, अपने प्रशंसा करते हैं, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। और दूसरे की जो भी निंदा करना, ये जो भी मिथ्यात्व का लक्षण है। दूसरे के जो भी गुणों की प्रशंसा करो, उनकी निंदा मत करो, तो आपके पास भी मन मिला है, संगी बन गए, मनुष्य पर्याय में आ गए, कर्म धन सभी जैन कुल मिला, देवशा गुरु का शांति मिला, उसमें अपने मन को नियंत्रण करो, सही मित्र रखो, सही मित्र मन जो भी वही धर्म है आपका। आपको धर्मात्मा बनना है, परमात्मा बनना है, जो धर्मात्मा बनेगा वो परमात्मा बनेगा। परमात्मा बनने के लिए आप लोग भी मन को पवित्र बनना चाहिए। यदि आपका मन पवित्र है, हर व्यक्ति के चेहरे पर आपका चित्र दिखता है, क्या है, आपका मन पवित्र है, हर व्यक्ति के चेहरे पर आपका चित्र दिखता है, दुनिया में कोई भी मिल जाता है वो अपना मित्र हो जाता है। उसी प्रकार आप अपने मन को पवित्र रखो, जो भी व्यक्ति आपके सामने आ जाए उनके मन में भाव आना चाहिए। हाँ, जो जय जिनेन्द्र भैया बोलता हो, नहीं तो क्या कहता हो, गैया भैया नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके चेहरे पर जो भी मुस्कान नहीं है, चेहरा प्रसन्न नहीं है, चेहरे के माध्यम से आपके मन में क्या उथल पुथल हो रहा है ये पता चलता है। इसलिए मन पवित्र रखो, मन प्रसन्न रखो, चेहरा प्रसन्न रखो, आप थोड़ा सा स्माइल देते। आगामी सोमवार, मंगलवार, 14 व 15 अगस्त को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर चंद्रगिरी तीर्थ पर होगा।
निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर जो एक वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बालक बालिकाओं को पिलाया जाएगा। पुष्प नक्षत्र पर आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन शिविर चंद्रगिरी तीर्थ पर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन जन जन हुआ रे। पाके दरस धन जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। शुद्ध भावों से आहार निर्मित। शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। स्वीकारो नमन स्वीकारो मेरी कुटिया में ओ मेरी
हमें आन पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु जी
आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई मन में जिन रूप संजोए मन में जिन रूप संजोए कर वन वन मुनि विहार अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्रावक धर्म को ध्यान में रखना कहीं भूल ना जाना श्रावक धर्म को ध्यान में रखना कहीं भूल ना जाना मुनिवर के रूप में जिनवर मुनिवर के रूप में जिनवर करते हैं भोग स्वीकार अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं मन आंगन में खुशियां छाई मुनिवर पधारे हैं मन आंगन में खुशियां छाई मुनिवर पधारे हैं आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं Thank you.
दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन जन जन हुआ रे, पाके दरस धन जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं, मन आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। शुद्ध भावों से आहार निर्मित, शुद्ध भावों से आहार निर्मित, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं, आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर, कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर, आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर, आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर, जिसकी महिमा ना हो जिसकी महिमा ना जाए गाए, मुनिवर पधारे हैं, आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। बस एक ही बार आहार करते, बस एक ही बार आहार करते, जल अन्न दोबारा श्री मुख न धरते, जल अन्न दोबारा श्री मुख न धरते, करे कैसे रे करे कैसे निखिल अब बढ़ाई, मुनिवर पधारे हैं, आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं, आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं, आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर पधारे हैं, मन आंगन में खुशियां छाई, मुनिवर पधारे हैं।
आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन जन जन हुआ रे, पाके दरस धन जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। शुद्ध भावों से आहार निर्मित, शुद्ध भावों से आहार निर्मित, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं।